हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, हम लोगों की जिला सीरीज चल रही थी और कल हम लोगों ने बागेश्वर पढ़ा था, जिसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को मिल गया था। मैं उम्मीद करती हूँ वो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कल आप लोगों को कौशानी पढ़ाया था और कौशानी के बारे में कुछ पॉइंट्स रह गए थे, वो आप लोगों को आज नोट करने हैं। कौशानी को सबसे पहले कुमाऊं का गहना भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कुमाऊं का गहना किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कौशानी को। दूसरा पॉइंट, कुमाऊं जो आपका कौशानी है, इसकी जो इसका संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है रैमजे को। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौशानी का संस्थापक किसको माना जाता है, तो ये माना जाता है रैमजे को। जो गवर्नर रैमजे था उसी को माना जाता है कौशानी का संस्थापक, ठीक है। इसके बाद कौशानी के बारे में एक पॉइंट है, शायद मैंने अगर कल की वीडियो में नहीं पढ़ाया तो उसे आज आप लोग यहाँ पर नोट कर लेना। जो इसका नाम पड़ा था वो कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम कौशानी पड़ा था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसकी तपस्थली होने के कारण इसका नाम कौशानी पड़ा था, तो कौशिक मुनि की तपस्थली के कारण। तो कौशिक मुनि ने यहाँ पर क्या की थी, तपस्या की थी, उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा था, कौशानी पड़ा था। पुराना नाम इसका क्या था, बल्ला था, वो हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा लक्ष्मी आश्रम में कल आप लोगों को बता रही थी, लक्ष्मी आश्रम की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1941 में, ठीक है। तो 1941 में जो है लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी, ये भी आपको नोट करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो थे कल की वीडियो में रह गए थे, इनको आज आप वहां पर नोट कर लेना, इसके बाद ही आज हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको आज ये मैप देखना है, और जैसे कि हम लोग जब भी दर्रे डिस्कस करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम मैप के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दर्रे, वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिथौरागढ़ के दर्रे पढ़ चुके हैं, हम लोग चमोली के दर्रे पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि हम बागेश्वर पढ़ रहे हैं इसलिए इसको मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। तो सबसे पहला दर्रा जो आपको दिखाना है वो आपको यहाँ पर दिखाना है, और ये दर्रा है आपका कौन सा, सुंदर ढूंगा दर्रा, जो कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए प्रमुख दर्रे, बहुत ज्यादा दर्रे नहीं है यहाँ पर। दर्रे हम लोगों को पता है क्या है, संकरा मार्ग होता है, रास्ता जो कि एक पर्वत से दूसरे पर्वत जाने के लिए होता है, एक जिले से दूसरे जिले या आप एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ कह सकते हैं। तो सबसे पहला है सुंदरढूंगा दर्रा। तो सुंदरढूंगा दर्रा किस किसके बीच है, आपका बागेश्वर प्लस पिथौरागढ़ के बीच में। दूसरा दर्रा मुख्यतः आपका है चमोली और बागेश्वर के बीच में, उसका नाम है ट्रेल पास दर्रा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ट्रेल पास दर्रा किस किसके बीच में है, तो चमोली प्लस बागेश्वर के बीच में ये आपका ट्रेल पास दर्रा है। तो मुख्यतः दो ही दर्रे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा सुंदरढूंगा और दूसरा मिलेगा आपका ट्रेल पास दर्रा, जो कि बागेश्वर और चमोली के बीच में है ट्रेल पास, और जो आपका सुंदरढूंगा दर्रा है वो है आपका बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। तो इन दो दर्रों को आप चाहे तो यहाँ भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, और आप चाहे तो इन्हें अपनी कॉपी में इस तरीके से नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप बात कर लेते हैं प्रमुख मेलों के बारे में, क्योंकि यहाँ से मोस्टली मेले वगैरह ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में, तो अभी उसको हम देख लेते हैं। तो अब आप लोगों को हेडिंग डालनी है प्रमुख मेले। ये मैप में इरेज कर रही हूं, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देख लिया होगा। यहाँ पर कल मैंने आप लोगों को तीन पर्वत बताए थे, जो कि मैंने कहा था पिंडारी के आसपास है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको वो तीनों पर्वत ही बागेश्वर के बाहर है। नंदा देवी आपका इस तरफ है, नंदा कोट और नंदा खाट आपका इस साइड है, तो इस चीज को ध्यान रखना वो बागेश्वर में नहीं है, बागेश्वर से बाहर है। तो सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डालनी है प्रमुख मेले, और सबसे पहला मेला आपको लिखना है बाबनाथ मेला। तो अगर आपसे पूछा जाता है बागनाथ मेला कहाँ पर लगता है, तो ये बागेश्वर में ही लगता है। दूसरा मेला आपको लिखना है मूल नारायण मेला। तीसरा मेला लगता है आपका मां भद्रकाली मेला। चौथा मेला आपको नोट करना है समिति मेला, समिति का मेला या समिति मेला। पांचवा है आपका पिनाथ मेला और कोट माई का मेला। छठवा लिखना है कोट
माई का मेला। तो ये कुछ मेले हैं जो आपको इस तरीके से नाम पता होने चाहिए, कहाँ लगते हैं, बागेश्वर जिले में लगते हैं। इनमें से सनेदी का मेला एग्जाम में पूछा गया था एक बार, और जो आपको बागनाथ का मेला है ये भी काफी पूछा जाता है। बाकी मेलों के नाम आपको ध्यान रखना है, माँ भद्रकाली का मेला भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इनके नाम आप लोग ध्यान रखना, ये बागेश्वर में लगते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको हेडिंग डालनी है उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला मेला जो है ये मकर संक्रांति को लगता है और सरयू नदी के तट पर ये मेला लगता है। सरयू नदी के तट पर इसके अलावा ये जो मेला है ये किस महीने अगर लगता है तो ये पता होना चाहिए, माघ के महीने यानी जनवरी में ये मेला लगता है। जनवरी के महीने में ये मेला लगता है, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में क्या फैक्ट है, ये जो मेला है आपका इसको पहले 9 लाख का मेला कहा जाता था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा 9 लाख का मेला किसको कहा जाता था, आपको पता होना चाहिए उत्तरायणी मेले को कहा जाता था 9 लाख का मेला। या फिर ये भी कह सकता है कि 9 लाख का मेला कहाँ पर लगता था, तो बागेश्वर में 9 लाख का मेला लगता था, इसी को उत्तरायणी मेला कहते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा इस मेले में नृत्य किया जाता है जिसको कहा जाता है चांचली नृत्य। तो चांचली नृत्य अगर आपसे पूछा जाएगा किस मेले में किया जाता है, उत्तरायणी मेले में, किस जगह ये नृत्य किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, कुमाऊं में किया जाता है, बागेश्वर में किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका मेला है उत्तरायणी मेला, इस मेले का जो सबसे पहले वर्णन किया गया था वो 1905 में सेरेमन ओकली के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको कि 1905 में सेरेमन ओकली के द्वारा इस मेले का वर्णन उनकी एक पुस्तक थी होली हिमालय, होली हिमालय में किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को लिखना है कि उत्तरायणी मेले का जो वर्णन है सबसे पहले 1905 में सर सेरेमन ओकली के द्वारा अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया गया था। तो ये पुस्तक भी आपसे पूछी जाती है किसकी है, तो ये पुस्तक है सर सेरेमन ओकली की एक पुस्तक है, तो ये भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा एक फैक्ट इसके बारे में और है, वो आप सब लोगों ने सुना होगा, 14 जनवरी 1921 को इसी उत्तरायणी मेले में सरयू नदी के किनारे एक प्रथा का अंत किया गया था और वो थी कुली बेगार प्रथा, ठीक है। तो उस प्रथा में जो है जो रजिस्टर थे कुली बेगार का रजिस्टर, उसे सरयू नदी में बहा दिया गया था 14 जनवरी 1921 में। तो ये डेट आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, कुली बेगार प्रथा थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक्स आपको बता रही हूँ। तो कुली बेगार प्रथा थी जिसका अंत कब हुआ था, 14 जनवरी 1921 में। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था, सरयू नदी के किनारे हुआ था, उत्तरायणी मेले में किया गया था और किसके द्वारा, बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा और हरगोविंद पंत जी के साथ साथ 40,000 वहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, तो उनके द्वारा इस प्रथा का अंत किया गया था, ठीक है। बाकी कुली बेगार प्रथा क्या होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इतने पॉइंट्स आपको कम से कम उत्तरायणी मेले के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपसे पूछेगा उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है, तो बागेश्वर में लगता है। कब लगता है, मकर संक्रांति के दिन लगता है, माघ महीने में लगता है यानी जनवरी में लगता है, सरयू नदी के तट पर लगता है। सरयू नदी आप सबको ही पता है बागेश्वर में है। पुराना नाम इसका क्या था, 9 लाख का मेला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। चांचली नृत्य इसमें किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा 1905 में सेरेमन ओकली के द्वारा इसका जो है सबसे पहले वर्णन अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया गया था। इतनी चीजें पता होनी चाहिए। इसी मेले में जो है 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा जो थी उसका अंत किया गया था, ठीक है। कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया था। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट मेले हैं जो बागेश्वर जिले के हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है बैजनाथ मंदिर। वैसे तो ये हम कल पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसके रह गए थे जो आज हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका कौन सा है, बैजनाथ मंदिर। और जो ये बैजनाथ मंदिर है इसी को कहा जाता है तौलीहाट मंदिर समूह, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा तौलीहाट मंदिर समूह किसे कहा जाता है, तो ये आपका किसको कहा जाता है, बैजनाथ मंदिर को, तौलीहाट मंदिर समूह।
दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसकी जो है, ये मंदिर किस शैली में है। अगर आपसे ये पूछते हैं किस शैली में ये मंदिर बना है, तो ये नागर शैली में मंदिर बना है। ठीक है, नागर शैली में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है, वो है बागनाथ मंदिर। ठीक, दूसरा मंदिर है आपका बागनाथ मंदिर। तो देखिए जो ये बागनाथ मंदिर या बैजनाथ मंदिर है, ये एक्चुअल में है क्या, शिव धाम है ये, यानी कि यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है, शिव जी भगवान की पूजा यहाँ पर की जाती है। तो अगर आपसे पूछना ये सबसे पहले बात आपको ये लिखनी है क्या है, शिव धाम है। दूसरी बात इसकी शैली की अगर बात करते हैं, तो ये भी कौन सी शैली में है, ये भी नागर शैली में है, नागर शैली का ये मंदिर है। तीसरी बात आपको बागनाथ मंदिर के बारे में क्या पता होनी चाहिए, जो उत्तर भारत के सभी जो शिव मंदिर है उनमें से ये एक मात्र ऐसा मंदिर है जिसका जो मुख है वो किस किस तरफ है, दक्षिण की तरफ है। इसमें आपको लिखना है एकमात्र दक्षिणमुखी मंदिर, मुखी मंदिर। तो आपको इसमें पूरी बात लिखनी है कि उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जिसका मुख किस तरफ है, दक्षिणमुखी है ये मंदिर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, कौन सा मंदिर है, बागनाथ का मंदिर, शिव धाम है और नागर शैली में ये मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा कुछ मंदिरों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है, और वो है आपका नौलिंग मंदिर। दूसरा है कोट भामरी मंदिर। तो ये कुछ अन्य मंदिरों के नाम आपको पता होने चाहिए, मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो बागेश्वर में स्थित है, लेकिन नाम आपको कम से कम पता यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, इन तीनों के बाकियों के बारे में डिटेल हम कल भी पढ़ चुके हैं, और आज भी जो बची हुई चीजें थी वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ बुग्यालों की। हालांकि बहुत ज्यादा बुग्याल यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो एक दो बुग्याल है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो बुग्याल हम सबको ही पता है, बुग्याल कहा जाता है जो मखमली घासों के मैदान होते हैं और बहुत ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं। तो बहुत ज्यादा बुग्याल यहाँ पर नहीं है, दो ही बुग्यालों के नाम यहाँ पर हैं, जो एक है कफनी बुग्याल और दूसरा है मनोहरी बुग्याल, मनोहरी बुग्याल। तो ये दो बुग्याल हैं जो आपके कहाँ पर हैं, ये आपके बागेश्वर जिले में स्थित है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इनका नाम आपको कम से कम पता होना चाहिए, यही आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके साथ ही आज की क्लास में यहाँ पर समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जिले के साथ। तब तक आप बाकी के जिले कम्प्लीट करके रखना। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आती है तो प्लीज इन्हें लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।